रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर से बादल गरज रहे थे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, और मैं देख रही थी आंधी भी आई, मैं देख रही कि अब भी बारिश आई और अब भी आई, तो बारिश तो आ चुकी है। और मैंने सोचा कि तंदूरी को जो है ना वो ढाँप लें ताकि बारिश की इसमें ना चले, पानी इसमें चला गया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ बारिश में शेयर करते हैं और देखते हैं कि कितनी बारिश बरसती है। तो आइए चलते हैं उस घर में। शाम की टूरी शुरू हो रही थी तो हमने सोचा था कि चार पाइयाँ बाहर निकाल के हम सब्जी काटने बैठ रहे थे, लेकिन उधर बारिश होना शुरू हो गई तभी हम इनको भी अंदर डालते हैं। उठाओ उधर से चार पाई, इनको अंदर डाल देते हैं क्योंकि बारिश की वजह से ये भीग रही हैं। ये देखिए ये लकड़ियों का इंतजाम करके हम अंदर अपने किचन में रख रहे हैं। सारे पूरे जो है ना पूरी लकड़ियां ही लेकर अंदर आ गया है, काटी नहीं है कोल्हाड़ी के साथ क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं मिला, उधर से बारिश शुरू होगी ना, हमने सोचा कि लकड़ी अंदर रख देते बाद में काट लेंगे। और हसीब को देखो कितना मजे से घूम रहा है बारिश में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं छत की सफाई करके तो आई हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आंधी आई है ध्यान से हसीब, और उसके बाद दोबारा से आंधी आ जाए तो फिर हो सकता है कि दरख्त के जो है ना फूल और पत्ते गिरे हुए, तो चल कर देखते हैं। हसीब ऐसा ना करो, तंग ना करो, गिर जाओगे जख्म लग जाएगा। लेकिन उसके बाद आंधी आई है दोबारा से, तो सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और ये जो पानी इधर जाता है ना फिर वो पानी जाने वाला रास्ता जो है ना वो बंद हो जाता है। तो अभी हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है तो अभी जो है ना हम किचन में आए हुए हैं, बाहर वाले किचन में। तो हमने सोचा है कि आज ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना बनाते हैं। तो अभी हमने ये देखे गोभी को काट लिया है और मसाला हमने मसाले को बनने के लिए हमने छोड़ दिया। ये देखिए जैसे ही मसाला तैयार होता है तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ, गोभी को धोएंगे और पेटी में डाल। और ये देखिए अदनान जो है ना, आपको पता है कि संडे को हमारी पानी की बारी होती है क्योंकि नहरी पानी अब ख़त्म होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि घास की भी जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए क्योंकि घास काफ़ी सारा हमने बोना होता है, तकरीबन 2-3 एकड़ हमारा घास होता है। अभी तो हमने 1 एकड़ बोया है, आधा एकड़ पिछले बार और आधा एकड़ इस बार, बाकी के 2 एकड़ मजीद हमने घास की बिजाई करनी है क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर हैं। तो अदनान ये लूसन और सरसों का जो है ना बीज वो मिक्स कर रहा है बैठ के। अभी इसे ले जाते हैं, तो अभी ये लेकर चलते हैं इनको फसल में डालने के लिए।
तू गार को कर तो आज हम जो है ना आज हम ये आम के पौधे हैं और इसको ऊपर से कवर कर रहे हैं। वैसे अभी जो है ना आटा गूंथ रहे हैं और सालन भी हमारा माशाल्लाह से अभी तैयार होने वाला है। जल्दी जल्दी काम इस वजह से कर रहे हैं, ये देखिए सामने से बादल बड़े जोर के आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि कल से मौसम जो है ना बहुत ही अजीब किस्म का बना, पता ही नहीं चलता, एकदम से बादल आते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाते हैं। कल भी शाम को ऐसा ही हुआ था, तो अभी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। फिर मैं हसीब को बुला रही हूँ, वो सामने देखिए वो आ रहा है, अपने भाइयों के साथ गया हुआ है उधर, वो कपाया घास की बिजाई हो रही है ना, तो सब उधर गए हुए हैं, अदनान फिजान हसीब। तैयार हो चुका है, तो अभी हम तंदूरी भी हमारी गर्म हो चुकी है, ये देखे बिल्कुल सफेद गर्म हो चुकी है, तो अभी हम इसको लगाते हैं रोटियां, को हम उतार देंगे। हम क्या बताएं क्या? हाँ आज हमने गोभी का सालन पकाया, खाओगे? अभी सालन हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी हम तंदूरी पर रोटी लगा रहे हैं, रोटी लगा लेंगे फिर मिलकर खाएंगे, ठीक है? और आज हमारा जो है ना वो काम करने वाला जो है ना वो चला गया है किसी काम से, कोई बात नहीं है, दवाई लेने के लिए गया है अस्पताल, तो उसने आज कहा है कि आज आदमी आता शाम को पानी आप लोगों ने पिलाना है, तो मैंने बाबर से कहा कि तुम पानी जानवरों को पिलाओ, अब नहीं आएगा, अब काम करना पड़ेगा। मैं कैमरे के सामने काम नहीं करता, मैं अकेले में काम करता हूं ना। ये हसीब क्या खेल रहा है देखो ना, हसीब खेल रहा है, ऐसे है ना अभी। तो माशाल्लाह से ये होती है हमारी डिनर की रूटीन, क्योंकि शहरों में तो लोग 10-11 बजे खाना जाकर खाते हैं, होटलों में कुछ खाते हैं, कुछ घर में खास बनाकर खाते हैं, लेकिन हमारी जो होती है रूटीन के मुताबिक ही होती है, शाम को हम एक या दो खाने बना लेते हैं, कभी मीठे का दिल किया तो साथ में मीठा बना लेते हैं, कभी चावलों का दिल किया तो साथ में चावल भी बना लेते हैं नमकीन, तो कभी सिर्फ सादा खाना भी बना के खा लेते हैं, तो ये देहाती सा हमारा माहौल है। और मगरिब होने से पहले पहले हम ये अपना रूटीन हम जो है फिर मुकम्मल कर लेते हैं, यानी कि हम अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर मगरिब की अज़ान के बाद जो है ना फिर रात की रूटीन शुरू हो जाती है, बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर जाकर सो जाते हैं। आ गए हैं तो अभी हम इनको खाना निकाल कर देते हैं बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें सब बच्चे नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये फर्श लगे हुए रहते हैं ना, तो हमारा देहाती ये रिवाज है कि सब लोग बैठ के मिलजुल कर नीचे बैठ कर खाना खा लेते हैं, और क्योंकि हम तो वैसे बिछा लेते हैं, अब
नीचे बिछा लेते हैं, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने पहले वाली रूटीन, जिस तरह पहले से बैठ कर खाना खाते थे, जो हमारे देहात की असल रूटीन है, वो उससे वो दिखा सकूं। माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह से अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है और मगरिब की अजानें भी होने वाली हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं और हमारी दुआएं आप लोगों के लिए होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।